मतलब हम लोग जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी और रास्ते में हम लोग बस से आ रहे हैं और चलते हैं फिर आगे हम जाएंगे। और उधर बैठा हुआ है हमसे अलग क्या रॉयल गेट शिव ताले देवट गुप्ता जी आप सर्वेंट उनके अकबर के वो यही भेटे लेते थे जिससे जब भी बादशाह अकबर आते थे उनका बहन देता था। ये पूरा वीडियो बना रहे हैं तो ये पूरा देख रहे हैं आप, ये पूरा पहाड़ी इलाका था, जंगल इलाका था, यहीं पर वाइट बख्तर में देख रहे हैं, यही हजरत से एक सलीम चिश्ती बाबा की तरह वीडियो बांध बना रहे हैं। और ये है ऑल फेमस ये पूरा कब्रिस्तान है। ये सारी लेडीजों की कब्र है और जो बाहर है वो जेंट्स कब्र है सारी आदमियों की। क्या सब हाँ वो बता दिया उन्होंने। गुफा है बादशाह बनने पहले अपनी गुरुवाई थी गुफा है ताकि कोई अटैक कर दे तो गुप्त रास्ते से निकल जाए चुपचाप से। ये सीधा सुरंग जाके आ रहा सीधे तो उनके कोई कम नहीं। जब सलीम बड़े हुए तो अनारकली जो थी वो दासी की सर्वेंट थी वो थे बस। तो सलीम को अनारकली प्यार क्या करते थे मोहब्बत क्या करते थे तो अकबर नॉट सेटिस्फाई कोई सेटिस्फाई नहीं थे उनसे तो इसलिए अनारकली को इसके अंदर चुनवा दिया। और ये फेमस है अनारकली की सुरंग के नाम से। इसको आगे एसआई ने बंद कर दिया गया है क्यों क्योंकि हमारे कोई बच्चा वगैरह जाएगा तो खो जाएगा डर लगेगा हाँ तो इसलिए इसको बंद कर दिया है। कम आसम तो रोने लगती है ना हमारे नहीं चुंगी नहीं एसी उसके अंदर नेचुरल एसी है अलग एसी है ये क्या पकड़ो ठंडक आ रही है स्टोन गेट वो हाँ पत्थर का गेट ही देखो ये बुलंद दरवाजा है।
उमा हजरत से एक सलीम चिश्ती बाबा का उर्स मनाया जाता था बच्चों को में रमजान को। अब रमजान स्टार्ट हो रहे हैं कल से। अच्छा कल से। हाँ 20 महीने गुसल होता है और 28 रमजान को बड़ा मेला होता है तो इसके अंदर नबी की मसाले जलती थी पूरे में। अच्छा मसाले जलती थी हाँ, जिससे एक तरह की रोशनी वो करती थी। अब आजकल भी लाइट लगती नहीं है और फिर अपनी जगह भी नहीं होती है जिससे यहाँ पर पूरे में एक तरह की जो नेता होता है कुचल के मार देता है। तो हाथी मर चुका है। ये ऊपर टावर शादी आता है इसमें आपकी शेर हो जाए होटल आगरा का। तो ये देख रहे हैं ना कहाँ इधर आइए इधर देखो आ जाओ डर लग रहा है। तो ये पूरा बैक साइड है बैकग्राउंड है इसका पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इसके इसके आर्टिफिशियल झील हुआ करती थी पहले झील से पुराने टाइम का पोस्ट ऑफिस जिससे यहाँ पर उनको कबूतर लेके आते थे। कबूतर और सिके हुए होंगे ना कबूतर को कैसे पता ये चिट्ठी किसने। हाँ ये बने तो हुए छे छे छोटे छोटे थे ये रहा मतलब ले जाते और ये देखिए यहाँ पर ऊपर की साइड चौकीदार रहता था जिससे पूरे में चौकी सी किया जाता था। यहाँ पूरे में लैंप चला करती थी पीतल में लटका कर चले गए। कुछ नहीं है यहाँ पर बच्चा था जहांगीर जो हुआ। अच्छा अच्छा ब्रिटिश लोग आए उसको लूट कर ले गए उसकी सेम की कॉपी तामे पीतल में लटका कर चले गए। तो आज कोई ब्रिटिश लोग के जमाने का ही है क्योंकि आज जहांगीर को बहुत शौक था पेंटिंग वगैरह का जिससे यहाँ पर पूरे में पेंटिंग की गई दीवार। और इसकी जो हाइट है 80 फीट ऊपर जो डिजाइन देख रहे हैं ना पेंटिंग वगैरह का वो सब पेंटिंग यहाँ पर जहांगीर के द्वारा दी गई। और ये जाल वगैरह देख रहे हैं ना ये तो ये जब भी कोई पत्थर वगैरह गिर जाएगा तो इसके ऊपर रहेगा ताकि कोई नीचे जो पढ़ने वाले हैं वो उनके ऊपर ना गिरे लगे ना उनके तो इसलिए इसको जाल बिछाया चलो। दुआना होता है नहीं होना था लेकिन होंगे सामने यहाँ खड़ी रहती है महिमा चौधरी यहीं से वक्त भी आती हूँ वहाँ और अमरीश पुरी और शाहरुख खान की फाइटिंग अंदर होती है। यहाँ फाइटिंग हुई शाहरुख खान और अमरीश पुरी की परदेश मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पर। वाओ देखिए यहाँ पे लोग पीछे पड़ जाते हैं खरीदो 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 लेकिन उमा बहुत कोशिश कर रही इनसे बचने के लिए लेकिन हर कदम कदम पर मिल जाते बेचारे क्या करें पापी पेट का संभाल। कोई बात नहीं वो अपनी ट्राई कर रहे हैं। हाँ
वाह बताओ बताओ, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए ना देवर्स। आगे चल के देखो तो पास में। देवर्स को लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं, आगे तो आओ रो। अरे मेरे हाथ में पकड़ के आओ, देखो प्लीज। ये देखो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, स्टेप स्टेप देखो, स्टेयर्स है ना सारी। नहीं दूर से देखो, दूर से देखने में लग रहा है कुछ नहीं है। लोग डर भी जाते हैं क्योंकि पूरा पहाड़ी इलाका है ये, तो एकदम खड़ी सीढ़ियाँ भी तो है ना। इसे ले लो मम्मी। ये देखो वर्ल्ड फेमस गेट, बुलंद गेट, बुलंद दरवाजा। मेरा एक यहाँ पे फोटो, जब गुजरात जीत कर आए थे बादशाह अकबर, तो इसे खुशी में इसको बना भी गए, इसको विजय गेट से नाम से। छत्ता देखना चपक रहा है, छत्ते बहुत कम है, पहले बहुत ज्यादा थे इसके अंदर, और ये आम जनता ये गेट आने जाने यहाँ कोई तोड़ नहीं सकता ना, इसीलिए तोड़ नहीं सकता क्योंकि ऊपर से वहाँ पर जो वर्कर हैं ऊपर से रस्सी से खींच के यहाँ पर आते हैं, फिर उस पर स्प्रे करते हैं पूरा आगरा। स्प्रे से ही हरे आती है मधुमक्खियाँ, तो उसको तोड़ के नीचे गिरा देते हैं, परेशानी हो रही है ना मधुमक्खी टूरिस्ट को। ओ आराम से आराम से। सीधा लाकर चले आते थे, इसको बोलता है गुड लक, गुड लक। किसी को मर जाया करता था, मरने के बाद उल्टा लाकर चले आते थे, मरने का इसको उल्टा कर देते थे, बैड लक। तो इसके अंदर गुड लक ज्यादा है, बैड लक कम है। गुड लक ज्यादा नाम देख रहे हैं घोड़े का। अरे हाँ, वो है इतना बड़ा घोड़ा होता था, घोड़ों का था, अंग्रेजों घोड़ों का बीमार हो गया था इतना बड़ा। हाँ, जब वो सही हुआ तो उन्होंने पहला उधर ही लगाया, अंग्रेजों का घोड़ा। आना जाने का आम जनता का आना जाना पब्लिक गेट। शॉपिंग करते हुए पूरे टाइम कुछ पसंद आया? बता तो देने दो उन्हें। चलो यहाँ लंगर होता हर गुरुवार के दिन। फाइनली बाय बाय, वी आर एग्जिटिंग, बाय बाय फतेहपुर सीकरी। सो फाइनली बाय बाय। देवर्स इधर, वाव कैसा लगा देवर्स? हेलो, अच्छा ये भैया क्या हो गया सर? फाइनली वी आर लीविंग। ओके बाय बाय। टाइम की बहुत शॉर्टेज है भाई। देवर्स मजे आए? चलो अब मिलते हैं आगे, बाय बाय। इतना मजा ताजमहल में नहीं आता, ये सब ढह गया। पॉज करो फिर थोड़ा थोड़ा। अरे पॉज इससे हो? नहीं नहीं, अब पॉज।
स्टॉप स्टॉप किस अरे